हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर बिहार लैंड रजिस्ट्री रेवेन्यू जमाबंदी के शर्ते के बाद रजिस्ट्री में भारी कमी, नीति सरकार को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, तमाम जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो निबंधन विभाग का वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 का राजस्व लक्ष्य 7000 करोड़ तय किया गया है। इसके विरोध 13 मार्च तक 6019 करोड़ रुपए का ही राजस्व प्राप्त हो पाया। यह कुल राजस्व का महज 85% पांच वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है और अब जो है पखवाड़ा ही शेष है। इसमें करीब 1000 करोड़ की राजस्व वसूली मुश्किल है। तो जमीन की खरीद बिक्री जमाबंदी की अनियमितता की शर्त जोड़ने के बाद जो है निबंधन में 60-70% कमी आई है। पहले राज्य में औसत 5000 दस्तावेजों को प्रतिदिन निबंधन होता था जो अब औसत 1500 तक रह गया है। इसका प्रभाव निबंधन विभाग के राजस्व लक्ष्य पड़ा है और मैं बता दूं कि नतीजा इस वर्ष राजस्व लक्ष्य के हासिल करने पर पाना लगभग नामुमकिन हो गया। निबंधन विभाग की वित्तीय वर्ष 23-24 का राजस्व लक्ष्य 7000 करोड़ तय किया गया। इसके विरोध 13 मार्च तक जो है आपको 6019 करोड़ रुपए का ही राजस्व प्राप्त हो पाया है। कुल राजस्व का महज 85% मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है और एक पखवाड़ा है शेष है। इस करीब 1000 करोड़ राजस्व की वसूली की जाएगी। 20 दिनों में महज 187 करोड़ की राजस्व निबंधन विभाग ने पिछले माह 22 फरवरी को जमाबंदी की अनियमितता का आदेश लागू किया, जिसके अनुसार राजस्व दस्तावेज जिनके नाम से जमाबंदी कायम हो गए अब सिर्फ वही संपत्ति को बिक्री या पुनः निबंधन करा सकेंगे। निबंधन कार्यालय में जमाबंदी कायम होने के साक्ष्य देने पर ही आवेदक को संबंधित संपत्ति को बेचने की अनुमति होगी। मैं बता दूं कि जमीन विवाद को बढ़ते मामले को निपटने के लिए निबंधन विभाग ने यह नियम लागू किया है। फ्लैट और अपार्टमेंट की बिक्री के लिए भी जमाबंदी से जुड़ा आदेश प्रभावी नहीं है। विभागीय जानकारी के अनुसार आदेश लागू होने से पहले 21 फरवरी तक विभाग ने जो है आपको मैं बता दूं कि 58.32.7 करोड़ रुपए का राशि प्राप्त कर चुका है। फरवरी तक कुल जो है राशि लक्ष्य जो है 94% था। अब मैं बता दूं कि ये जो अंचल के सभी हलकों में इसको लेकर शिविर लगेगा। मध्य निषेध विभाग निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिदेशक सुशील कुमार सुमन ने नए आदेश अनुपालन को लेकर सभी जिले के निबंधक जिला और निबंधक प्रमंडलीय सहायक महानिरीक्षक को पत्र लिखा है कि जमाबंदी वो कारण जो कठिनाई है दूर करने के लिए अंचलों के सभी हलकों में शिविर आयोजित करने की जानकारी दी है। तो मैं फिर बता दूं कि जानकारी कैसे लगा, ये अपडेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।